अर्जुन और ताहिर की फिरकी के दम पर चेन्नई ने आरसीबी को हराया। चेपाक के धीमे विकेट पर सीनियर ऑफ स्पिनर हरभजन ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके बाद इमरान ताहिर ने 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट चटकाए। चेन्नई हरभजन सिंह और इमरान ताहिर की शानदार गेंदबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 70 रन पर समेटकर 7 विकेट से जीत दर्ज की। विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलोर की पूरी टीम 17.1 ओवर में पवेलियन लौट गई, जो आईपीएल का 6ठा न्यूनतम स्कोर है। वहीं जवाब में 3 बार की चैंपियन चेन्नई को भी आसान लक्ष्य का पीछा करने में काफी दिक्कतें आई और 17.4 ओवर में उसने जीत दर्ज की। चेपाक के धीमे विकेट पर सीनियर ऑफ स्पिनर हरभजन ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके बाद इमरान ताहिर ने 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट चटकाए। स्पिनरों की ऐशगाह पिच पर रविंद्र जडेजा ने भी 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट चटकाए। चेन्नई के लिए सुरेश रैना 19 रन तो नहीं बनाए, लेकिन आईपीएल में 5000 रन पूरे कर लिए। वह यह आंकड़ा छूने वाले टूर्नामेंट के पहले खिलाड़ी हैं। इससे पहले चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का हरभजन से गेंदबाजी कराने का फैसला सही साबित हुआ, जिसने विरोधी कप्तान कोहली 6 को 4ठे ओवर में पवेलियन भेजा। बेंगलोर की टीम इस झटके से उबर ही नहीं सकी। पिच की रफ्तार को भांपकर हरभजन ने अपनी गेंदों की लेंथ कम कर दी और गति कम करके बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। कोहली ने खराब पूल शॉट खेला और मिडविकेट सीमर पर जडेजा द्वारा लपके गए। मोइन अली ने हरभजन को छक्का लगाया, लेकिन फिर आसान रिटर्न कैच देकर लौटे एबी डिविलियर्स को ताहिर ने जीवन दान दिया। लेकिन अगली गेंद पर वह सीमा रेखा पर जडेजा को कैच दे बैठे। शिमरन हेटमायर 0 को धोनी और रैना ने रन आउट किया। निचले क्रम के बल्लेबाज ताहिर और जडेजा की जबरदस्त टर्न लेती गेंदों का सामना ही नहीं कर सके।